चलते लॉकडाउन में स्थानीय किसानों को लाखों का नुकसान पहुंचाया है। बाड़ी में पैदावार तैयार हो तो चुका है, लेकिन लॉकडाउन होने से माल दूसरे राज्य नहीं जा पा रहा है, जिसके वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही मजदूर नहीं आने से दोहरी मार पड़ रही है। किसान का कहना है कि खीरा व तरबूज मुफ्त में बांटने पड़ते हैं, यहाँ तक फेंकने की भी नौबत आ गई है। लॉकडाउन के चलते सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। फल पक के तैयार है, लेकिन सप्लाई नहीं हो रही है। कारण, गाड़ियों का आना जाना प्रतिबंधित, मजदूर भी नहीं आ सकते, जिसकी वजह से माल दूसरे राज्य भी नहीं जा पा रहा है और फसल खराब होने की नौबत आ रही है। घाटा भी इतना हो रहा है कि मजदूरी भी नहीं निकल पा रही है, और इस बात को कृषि अधिकारी भी मान रहे हैं। किसान अब करे तो करे क्या? हमारे संवाददाता ने आज कुछ ग्राम पंचायतों के किसानों से बात की तो पता चला कि वाकई में किसान परेशान व चिंतित है। बाड़ी में फसल पक कर तैयार है, लेकिन खरीदार नहीं है। खीरा व तरबूज जैसे फसलों को तो मुफ्त में बांटने की नौबत आ गई है। ग्राम पंचायत चिद्दो में किसान अनिल यादव, उमेश यादव, कुशल पटेल ने कहा कि आज के माहौल के चलते हमें लाखों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि दूसरे राज्यों से गाड़ी का आवाजाही बंद है, जिससे लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि फल सब्जी फेंकने की नौबत आ गई है। इसी तरह से बच्छेरा भाटा के किसान दिनेश मुकेश निषाद ने बताया कि किसानों के नुकसान को देखते हुए सरकार को हर संभव मदद करनी चाहिए। हाँ पटेल जी, बताए। मेरा खीरा लगा है 10 एकड़ में, 8 एकड़ में कलिंदर है, 6 एकड़ में टमाटर है। अब ये सब लॉकडाउन के कारण बहुत दिक्कत हो गया है कि माल कहीं जा नहीं रहा है ना। माल तोड़वा रहा हूँ और तोड़वा कर सबका है बांट रहा हूँ गांव में, है ना। बाहर भी 2 दिन तक के पिकअप में बांटा हूँ, है ना। लगभग उस दिन टूटा था, 5 टन टूटा था, सभी को बांट दिया। बहुत दिक्कत हो गया है इस बार, लेबर का भी नहीं निकल रहा है, बहुत घाटे में जा रहे हैं अभी। 30 से 40 लेबर? कितना लेबर है आपके पास? लेबर मेरे 30 से 40 लेबर है। और कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्टिंग होता है? बाहर दिल्ली है, मुंबई है, पटना है, कलकत्ता है, बाहर राज्य में होता है लेबर। कितना का नुकसान हो चुका है अब तक? मेरा 12 से 15 लाख का नुकसान हो गया है। नाम आपका? कुशल पटेल। कहाँ रहते हो? चिद्दो। हाँ यादव जी, बताए। ये मेरे यहाँ कलिंदर लगा हुआ है 3.5 एकड़ में। मैं विगत अभी 4 साल से लीज में लेके यहाँ काम कर रहा हूँ फार्म का। तो अभी लॉकडाउन के चलते कलिंदर तो निकल रहा है, परंतु ट्रांसपोर्टिंग नहीं होने के कारण मेरा माल नुकसान में जा रहा है। तो लगभग मेरा 2.5 से 3 लाख का लागत लग चुका है, अभी फिलहाल नुकसान में ही हूँ। कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्टिंग करते हो आप? बाहर भिलाई, रायपुर वगैरह जाता है, ज़्यादा तो नहीं है, 3.5 एकड़ में है, तो ज़्यादा लंबा ट्रांसपोर्टिंग नहीं होता, यहीं आसपास ट्रांसपोर्टिंग है, परंतु लॉकडाउन के कारण माल कहीं जा नहीं पा रहा है। नाम आपका? अनिल कुमार यादव। कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ डोंगरगढ़, वार्ड नंबर 8। लगाया था फिलहाल 4 एकड़ में खीरा लगा था मेरा, 4 से 5 एकड़ के बीच लगा है ना। तो खीरा सिर्फ 2 पारी टूटा था बस, तो लॉकडाउन चालू हो गया। लॉकडाउन बंद के कारण ट्रांसपोर्टिंग पूरा बंद हो गया। हमारा खीरा अन्य राज्य में भी जाता था यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से, तो ट्रांसपोर्टिंग बंद हो गया। अन्य राज्य में भी नहीं जा पाया और अन्य ज़िले में भी नहीं जा पाया, जिसके कारण हमारा खीरा पूरा 2 पाई तोड़ने के बाद में पूरा खीरा पूरा फेंकना पड़ा, और पूरा माल से बाद तोड़ना ही बंद कर दिया। हम लोग लेने वाला नहीं था, माल उठाने वाला नहीं था, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ट्रांसपोर्टिंग के कारण और लॉकडाउन के कारण। कितने का हुआ नुकसान आपका? 4 लाख का नुकसान हुआ है सर टोटल, सिर्फ खीरा ही बस। खीरा में नुकसान हुआ, उसके बाद में अभी इसमें भी नुकसान हो रहा है अपना टमाटर में। टमाटर का भी मंडी में आज रेट नहीं है, और लेवा का भी बहुत दिक्कत है। नाम क्या सर आपका? उमेश कुमार साहू। कहाँ से? कल्याणपुर, डोंगरगढ़। लॉकडाउन के चलते अपन लौकी जो निकला रही से वो पूरा ट्रांसपोर्टिंग बंद हो गए, बाहर राज्य जाते रही से लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, ये सब ट्रांसपोर्ट बंद होने के कारण वो लौकी बहुत नुकसान हो गए, और पूरा वाला जुताई करना पड़ा थे, आवक नहीं है और पर ट्रांसपोर्टिंग नहीं होते घर से, तो मोला ये उजाड़ेल पड़ा था लौकीला। कितने एकड़ में डाले थे आप? 6 एकड़ में लौकी डाले रहे हूँ, साल के 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया मिल जाते सभी ट्रांसपोर्टिंग के चलते, लॉकडाउन के चलते बिल्कुल से उतना भी नहीं, लेबर के खर्चा नहीं निकल पाते, एक पूरा ये ख़त्म करेला पड़ा थे, उजाड़ा था हमें टोटल।